नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक चौधरी। ज्ञान नीति टू और सक्सेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हाल ही के समय में आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो ताइवान को रिकॉग्निशन देना स्टार्ट किए हैं, और बहुत सारे कंट्री ऐसे भी हैं जो ताइवान को एक कंट्री नहीं मानते हैं, वो वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करते हैं। और इसी बीच में एक डेवलपमेंट निकल के आई है कि जापान जो है वो ताइवान के साथ 2+2 सिक्योरिटी टॉक्स करने की कोशिश कर रहा है, और इसका स्टेटमेंट भी आया है कि जापान और ताइवान 2+2 सिक्योरिटी टॉक्स करेंगे। यहाँ पे देखिए, जो 2+2 सिक्योरिटी टॉक्स होते हैं ना, वो दो कंट्री के गवर्नमेंट के बीच में होती है। मतलब जापान यहाँ पे ताइवान को एज अ कंट्री रिकॉग्निशन देने की कोशिश कर रहा है। इसके बारे में चाइना ने भी वार्न किया है जापान को, क्योंकि चाइना जो है वन पॉलिसी को फॉलो करता है कि ताइवान को एक अपना प्रोविंस मानता है। आइए इसके बारे में हम डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, जापान की जो रूलिंग पार्टी है एलडीपी जो है वो जापान की रूलिंग पार्टी है, उन्होंने प्लान किया है सिक्योरिटी टॉक विद ताइवान की रूलिंग पार्टी। मतलब ताइवान की जो रूलिंग पार्टी है और जापान की जो रूलिंग पार्टी, वो दोनों आपस में सिक्योरिटी टॉक्स करेंगे। ये जापान टाइम्स ने ये आर्टिकल प्रकाशित किया था। जापान प्लान डीपीपी सिक्योरिटी टॉक्स, मतलब डीपीपी जो है ताइवान की रूलिंग पार्टी है, उनके साथ ये सिक्योरिटी टॉक्स करेंगे। और इसके रिगार्डिंग चाइना का भी रिएक्शन आया है। चाइना वांट जापान और प्लान 2+2 टॉक्स एट पार्टी लेवल विद ताइवान। मतलब ताइवान के साथ जापान जो 2+2 सिक्योरिटी टॉक्स कर रहा है, उसके रिगार्डिंग चाइना जो है जापान को वार्न करने की कोशिश कर रहा है। आइए इसके बारे में हम अब डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, हम 2 से 3 पॉइंट को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जापान और ताइवान इतने क्लोज क्यों आ रहे हैं, इसका क्या रीज़न है दोनों के आपस में क्लोज आने के, और जापान और ताइवान अपने आपस के टाइज बढ़ाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, और इसके रिगार्डिंग चाइना का क्या रिएक्शन है। चाइना ने जापान को दबाव तो किया है, बट हम ये देखेंगे चाइना का फर्दर रिएक्शन क्या है और आगे चाइना क्या क्या स्टेप ले सकता है। और नेक्स्ट हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि चाइना और जापान के बीच जो टेंशन राइज हो रहा है, इसके रिगार्डिंग वो भी हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। ये जो सिक्योरिटी टॉक्स होने वाले हैं, 2+2 सिक्योरिटी टॉक्स है, वो जापान और ताइवान की जो रूलिंग पार्टी है, करंट के जो रूलिंग पार्टीज है उनके बीच होने वाली है। तो देखिए, जापान की जो रूलिंग पार्टी है वो है एलडीपी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, और ताइवान की जो रूलिंग पार्टी है डीपीपी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। इन दोनों के बीच आपस में सिक्योरिटी टॉक्स होने वाला है, और कहा जा रहा है कि पॉसिबली ये दिस मंथ मतलब इस पर्टिकुलर मंथ में ये 2+2 सिक्योरिटी टॉक्स हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे ये समझना होगा कि जापान और ताइवान आपस में इस तरीके से क्यों क्लोज आने की कोशिश कर रहे हैं, और चाइना का इसके ऊपर रिएक्शन क्या है, चाइना और जापान के बीच क्या सिक्योरिटी थ्रेट होने वाले हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है इस पर्टिकुलर एरिया में, जहाँ पे जापान उस आइलैंड को कहता है सेंकाकू आइलैंड। आप इस नाम से इस आइलैंड को जानते भी होंगे। ये जो सेंकाकू आइलैंड है, जापान इसको सेंकाकू आइलैंड कहता है, और दियायू आइलैंड जो है ये ताइवान इसको दियायू आइलैंड कहता है। मतलब जापान भी अलग नाम से इंडिकेट करता है पर्टिकुलर टापू को, और ताइवान अलग नाम से इंडिकेट करता है उस पर्टिकुलर टापू को, और दियायू तियायू ये अलग नाम है जो चाइना इस पर्टिकुलर आइलैंड को अलग नाम से बुलाता है। तो मतलब एक ही आइलैंड है जिनको अलग अलग नाम से बुलाया जा रहा है, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर आइलैंड को तीनों ही अपना अपना आइलैंड मानते हैं। मतलब जापान कहता है ये आइलैंड हमारा है, ताइवान कहता है ये आइलैंड हमारा है, चाइना कहता है ये आइलैंड हमारा है। मतलब इस पर्टिकुलर आइलैंड के ऊपर तीनों ही आपस में अपना डिस्ट्रीब्यूट बना के रखे हुए हैं, और ये जो डिस्ट्रीब्यूट है इस पर्टिकुलर आइलैंड का, ये तीनों कंट्री का आपस में है। फिर भी देखिए, जापान जो है ताइवान के साथ आपस में 2+2 सिक्योरिटी टॉक करने की कोशिश कर रहा है। क्यों करना चाह रहा है, देखिए अभी हाल ही के समय में आप देखे होंगे बहुत सारी कंट्रीज ताइवान को रिकॉग्निशन देना स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें इंडिया भी है, USA भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जो ताइवान को रिकॉग्निशन देना स्टार्ट किए हैं। इसमें जापान क्या किया है, एक स्टेप आगे बढ़कर 2+2 सिक्योरिटी टॉक्स की तरफ आगे बढ़ गया है। और इस 2+2 सिक्योरिटी टॉक्स अगर होता है और ये सक्सेस होता है, तो आप ये समझिए कि जापान ताइवान को एक अलग कंट्री के रूप में रिकॉग्निशन करना स्टार्ट कर देगा। और इसको लेके जो चाइना का रिएक्शन आया है वो देखिए क्या है। द चाइना गवर्नमेंट स्टेटेड द अपोजिशन ऑफ द प्लान डायलॉग बिटवीन जापान एंड ताइवान, ये इसको अपोज कर रहे हैं।
जो चाइना के जो स्पोक पर्सन है वाई चेंगी, ये जो लेडीज़ हैं उन्होंने कहा है कि जापान को यहाँ पे बहुत ही कॉशियसली वर्ड को चूज करना चाहिए और जो अपने एक्शंस हैं उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। उनका एग्जैक्ट वर्ड क्या है ये देखिए, हम यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए चाइना के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने क्या कहा है इसके रिगार्डिंग। द ताइवान क्वेश्चन कंसर्न द पॉलिटिकल फाउंडेशन ऑफ चाइनीज जापान जापान रिलेशन। जापान मस्ट हैव शुड बी स्पेशली कॉशियस विद द इट्स वर्ड्स एंड एक्शन अगेंस्ट हिस्टोरिक क्राइम। देखिए इसका मतलब यह है कि ताइवान का जो प्रोविंस है वो तीन जापान के संबंध के राजनीतिक नींव से संबंधित नहीं है, और ताइवान का जो जहाँ तक प्रश्न है उस संबंध में चीन के लोगों के खिलाफ किए गए ऐतिहासिक अपराधों को देखते हुए जापान को अपने शब्द और कार्य के विशेषताओं को सतर्क रहना चाहिए। मतलब यहाँ पे जापान चाइना जो है डायरेक्ट जापान को एज अ थ्रेट बना मान रहा है और ये कह रहा है कि जापान ताइवान से दूर रहे और जो भी अपना एक्शंस ताइवान के ऊपर कर रहा है उसे बचे। नेक्स्ट उनका स्टेटमेंट है, री एग्जामिन द रिलेवेंट कंसिडरेशन नॉट टू इंटरफेयर इन चाइनीज इंटरनल अफेयर्स एंड नॉट टू सेंड रॉन्ग सिग्नल टू ताइवान इंडिपेंडेंस फोर्स इन एनी वेयर। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम इस गंभीरता से जापान जो स्टेप ले रहा है उसको हम गंभीरता से जांच करेंगे और चीन के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने के लिए ताइवान को स्वतंत्र बलों के किसी भी तरह से गलत संकेत नहीं भेजने का आग्रह करते हैं। मतलब वो एक तरह से जापान को थ्रेडन करने की कोशिश कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द पीपल ऑफ चाइना ताइवान इज अ प्रोविंस ऑफ चाइना। मतलब ये तो हम लोग जानते हैं कि वन चाइना पॉलिसी के कारण बोले कि चाइना जो है ताइवान को एक अपना प्रोविंस मानता है, बट ताइवान क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना अपोजेस दिस पॉलिसी। मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो ताइवान मानता है कि ये सारा पार्ट हमारा है, हम वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानते। तो ये चाइना और ताइवान के बीच आपस में डिस्ट्रीब्यूट है। जापान और चाइना के बीच जो टेंशन स्टार्ट हुआ है इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं। ये देखिए फिफ्थ अगस्त को एक स्टेटमेंट आया था जापान से, जापान प्लान टू डिप्लॉय मिसाइल यूनिट नियर ताइवान कोस्ट नेक्स्ट ईयर रिपोर्ट। मतलब ताइवान से नज़दीक जो 300 किलोमीटर पे जो ताइवान का कोस्टल एरिया है जहाँ से जापान उस पर्टिकुलर आइलैंड पे एक अपना मिसाइल यूनिट जो है वो डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहा है और ये डायरेक्ट जो है थ्रेड होगा बीजिंग के ऊपर साउथ चाइना सी में। देखिए चाइना अपना प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो उसको यहाँ काउंटर किया जा सकता है इस पर्टिकुलर मिसाइल यूनिट को डिप्लॉय करके। जापान उसको थ्रेट करने की कोशिश कर रहा है टू मूव एम टू काउंटर बीजिंग इंक्रीजिंग नेवल प्रेजेंस इन द एरिया ऑफ द कैरिंग हिस्ट्री ऑफ मिलिट्री रिपोर्ट्स जापान मीडिया। तो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश किया गया है बीजिंग का जो प्रेजेंस है साउथ एरिया में जापान के थ्रू, इसके ऊपर भी चाइना का रिएक्शन आया था। चाइना ने क्या कहा उस पर्टिकुलर एक्शन के ऊपर कि चाइना थ्रेट टू न्यूक्लियर जापान और ताइवान इन वीडियो रिपोर्ट। मतलब चाइना जो है ना डायरेक्ट न्यूक्लियर थ्रेट दे दिया जापान को कि हम आपके ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। चाइना थ्रेटन टू न्यूक जापान इफ कंट्री इंटरवेंस इन द ताइवान कन्फ्लिक्ट। मतलब चाइना और ताइवान के बीच जो कन्फ्लिक्ट है उसके यूज अगर कोई कंट्री करता है और ताइवान के साथ कोई टाइप करता है तो उसके ऊपर वो न्यूक्लियर अटैक कर देगा, और ये सीधा सीधा जापान को कह रहे हैं। देखिए इसमें इस रिपोर्ट में इस आर्टिकल में क्या कहा गया था, वी विल यूज न्यूक्लियर बम फर्स्ट वी यूज द न्यूक्लियर बम कंटिन्यूसली we will do this until Japan declare unconditional surrender of the second tank. अब देखिए second tank क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि आपको पता होगा second world war जब खत्म हुआ था उससे पहले अमेरिका ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर बम से अटैक किया था जिसके बाद second world war खत्म हो गया। अब तो इसलिए कहा जा रहा है कि second time, मतलब जापान एक ही वर्ल्ड में एक ऐसा कंट्री है जिसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया गया है, तो सेकेंड टाइम कह रहा है कि हम चाइना कह रहा है कि सेकेंड टाइम भी हम जापान के ऊपर तब तक बम न्यूक्लियर बम गिराएंगे जब तक कि वो अनकंडीशनल सरेंडर नहीं कर देता। मतलब यहाँ पे देखिए चाइना डायरेक्ट जापान को थ्रेट कर रहा है कि आप अगर इस तरह से कोई भी एक्शन लेते हैं साउथ चाइना सी में या ताइवान को लेके तो हम आपके ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। वेन वी लिबरेट ताइवान इफ जापान
dares to intervene by the force even if it only deploy one soldier one plane and one ship. मतलब देखिए कहा जा रहा है चाइना के द्वारा कि अगर आप एक भी प्लेन एक भी शिप और एक भी सोल्जर वहां पे भेजते हैं तो वी विल ओनली रिटर्न बट विद फुल स्केल वॉर अगेंस्ट जापान इटसेल्फ. मतलब इसको चाइना देखेगा फुल फ्लेज वॉर के रूप में जापान के अगेंस्ट. जापान और चाइना के बीच जो है ना टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ये जापान और ताइवान के बीच जो 2+2 शेड्यूल टॉक्स है अगर ये हो जाता है तो आप ये समझिए कि इससे ये समझ में आएगा बहुत सारे कंट्री को संदेश जाएगा कि जापान जो है अब ताइवान को एक अलग कंट्री का दर्जा देना स्टार्ट कर दिया है और बहुत सारी कंट्रीज जो है अब इसके स्टेप्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और इसके कॉन्सिक्वेंसेज जो भी होंगे चाइना क्या स्टेप्स लेता है चाइना क्या उसके ऊपर अपना स्टेटमेंट देता है 2+2 जून के बाद कंप्लीट होने के बाद ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा. वीडियो में फिलहाल इतना ही. थैंक यू. वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और यानी कि टुवर्ड्स सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.